किन से गधा किसको क्यों से शादी करना है? तुम्हारा क्या हाल होता ना आज वो तुम्हें जानते, ठीक है? मिलोगे उसको तो बताएंगे, हम बता देंगे। देखो ध्यान से कहानी सुनते हैं, बहुत आराम से एंजॉय के साथ कहानी सुनना। ए फॉर हमने क्या बोल दिया भैया? ए फॉर आजाद। आजाद एक कोई एक लड़के का नाम हो सकता है। ए फॉर क्या हो गया? आजाद। आजाद एक क्या था? बॉय। मतलब क्या? लड़का। आजाद एक बॉय था जिसने क्या लिया? खाने के लिए क्या लिया? तो क्रैक्स ऐसे थोड़ी ना मजा देगा, उसके साथ क्या लेना पड़ेगा? ड्यू लोगे तभी ना तूफानी करोगे। आजाद एक बॉय था जिसने क्या लिया? क्रैक्स। क्रैक्स के साथ क्या लिया? और इवनिंग में कब? शाम के समय। इवनिंग में किसके साथ गया? किसके साथ गया? कहां गया घूमने? जीटी। जीटी वहां पे उसने हाई स्कूल में क्या किया? एडमिशन लेके पढ़ाई लिखाई कर लिया। क्या कर लिया हाई स्कूल में? अरे एडमिशन के बाद उसकी नौकरी कहां लग गई? इंडियन। अरे नौकरी लगी तो कुछ तो घूमने में जाओगे। अरे कहां गए घूमने? मुलाकात किससे हो गई? सपनों की रानी क्वीन से। जंगल घूमने गए, मुलाकात किससे हुई? क्वीन को घुमाने कहां ले गया? कहां ले गया? रास्ते में क्या हो गया भैया? अरे भाई रास्ते में क्या हो सकता है? लव ही हो सकता है। लेकिन जैसे ही क्वीन छोड़ के चले गए क्या बन गया वो? क्या बन गया? तो आपको कैसे याद रखना है? आजाद बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फूफा जी, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लवर। कोई यम का पूछेगा तो मैन आपके दिमाग में, यानी मैन यम का। यानी कोई यच पूछे तो हाई स्कूल, याद आ जाए हाई स्कूल। कोई टी पूछे तो जीटी। अरे कोई डब्लू पूछे तो ड्यू। कोई वी पूछे तो इवनिंग। याद हो जाएगा? दो बार कहानी को पढ़ लेना बार बार। आजाद एक बॉय था जिसने क्या लिया? तो साथ में बोलो क्रैश के साथ ड्यू के। कहां गया घूमने? कहां? उसने कि नौकरी कहां लगी? घूमने कहां गया? मुलाकात किससे हुई? कहां घुमाने ले गया? जाते जाते रास्ते में क्या बन गया? याद हो जाएगा विपरीत? कभी नहीं भूलोगे विपरीत, ये गारंटी है। और कोडिंग डिकोडिंग में विपरीत और प्लेस वैल्यू अगर याद है तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप 100% क्या करके आओगे? सॉल्व करके आओगे, ठीक है? नोट डाउन कर लो, चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे।